तलवार से नहीं मरने वाले हैं वो, आपको टेक्निक में उनसे बहुत आगे जाना होगा, वो बहुत अच्छे हथियार लिए हुए बैठे हैं। देखिए बहुत अच्छी बात साध्वी जी ने कही, लेकिन मैं हर वक्ता से एक अनुरोध करना चाहता हूं कि वो दूसरों को बात कहने का मौका दे, ये ना कहे कि भाई इसी से काम हो जाएगा, दूसरे काम से काम नहीं होगा। हथियार उठाए बिना धरती की कोई कौम ना तो बच सकती है और ना ही कभी बचेगी। 40 करोड़ की इकोनॉमी है वो, 40 करोड़ आदमियों की, तुम 100 करोड़ हो, तुम्हारे यहां बच्चे नहीं है। आर्थिक ताकत अब उनके पास चली गई, हिंदू संगठन अपडेट नहीं हुए। जो बात मैं 9 साल की उम्र में सुन रहा था, आज बूढ़ा हो गया तब भी आर्थिक बहिष्कार की बातें चल रही थी, आज भी वही बात चल रही है। तुम अपडेट कब हो गए? और तलवारों की बात भूल जाओ, तलवार केवल मंचों पर दिखाने के काम आने वाली है। लड़ाई में जीतता वो है जिसके हथियार शत्रु से ज्यादा ताकतवर होते हैं। झूठी बातों में बच्चों फंस मत जाना, ज्यादा से ज्यादा बच्चे और अच्छे से अच्छे हथियार, यही तुम्हें बचाने वाले हैं। हम केवल साथ खड़े हैं और वो भी कितने दिन कोई नहीं जानता। हर आदमी को अपनी लड़ाई खुद लड़नी है, हर आदमी को अपनी औरतें, अपने बच्चे, अपना घर खुद बचाना है। इसीलिए किसी भी वक्त हर वक्ता से अनुरोध है, अपनी राय पूरे जोर से रखें, लेकिन एक भी व्यक्ति को इस मंच पर शस्त्र की आवश्यकता को कमजोर करने की जरूरत नहीं है, कोई भी वक्ता हो। मैं बहुत क्षमा चाहता हूं, मैंने मंच का अतिक्रमण किया, लेकिन अगर मेरे गुरुजी श्री बैकुंठलाल शर्मा प्रेम सिंह शेर जी ऑफर था आरएसएस का इन्हें शंकराचार्य बनाने का, क्योंकि ये भी प्रचारक थे, रूपेंद्र भाई बैठे हुए हैं अच्छी तरह, रूपेंद्र महामंडलेश्वर जी आप तो जानते थे ना गुरुजी को, यहां के बहुत सारे शंकराचार्य चरण छूते थे हमारे, डॉक्टर महामंडलेश्वर प्रेमानंद जी बैठे हुए, पूछिए इनसे। नारा था शस्त्र में जयते, मेरे साथ तीन बार बोलेंगे सभी, शस्त्र में जयते, शस्त्र में जयते,